तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो दिन है वो दो खबर है, एक अच्छा खबर एक बुरा खबर। पहले बुरा खबर, बुरा खबर ये है कि छठी जेपीएससी, सिक्स जेपीएससी, छठी जेपीएससी हो गया आपका रद्द, छठी जेपीएससी रद्द हो गया। और अच्छा खबर क्या है? बीपीएससी हो गया फाइनल, बीपीएससी हो गया फाइनल, 64 जेपीएससी। जहाँ बिहार में जहाँ क्या हो रहा है कि बिहार में लगातार बैक टू बैक एग्ज़ाम हो रहा है, परीक्षा हो रही है, बच्चे पास कर रहे हैं। अभी 64 का फाइनल हुआ है, 65 का मेंस का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। 66 का मेंस होगा, 67 का पीटी का डेट भी आ गया है, अक्टूबर में आपका डेट भी आ गया है, ठीक है। लेकिन झारखंड का स्थिति बहुत बुरी है। झारखंड में अभी छठी जेपीएससी आपका रद्द हो गया। अब जब छठी, यहाँ पे थोड़ा सा दो चार बातें हैं, टेक्निकल बातें, कि छठी जेपीएससी रद्द हो गया तो क्या हुआ। छठी जेपीएससी रद्द करने का जो आधार था, झारखंड के माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि जेपीएससी पीटी में, जो जेपीएससी मेंस में पेपर वन जो आपका क्वालिफाइंग पेपर था, उसको उसका मार्क जोड़ क्यों दिया गया, ठीक है ना। तो 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश, ठीक है ना। ये 100 नंबर का मार्क्स था हिंदी और ये आपका इंग्लिश, तो इसको 100 नंबर जो था, ये 100 नंबर आपका क्वालिफाइंग था, नॉट स्कोरिंग, लेकिन इसको जोड़ दिया। तो ये नंबर वन, ये आधार बनाया गया रिजल्ट रद्द का। और नंबर हुआ कि इच पेपर में 40% अथवा जो भी 36%, 34, 32% जो भी एसटीएससी, ईबीसी, ओबीसी का क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया था कि इतना में आपको लाना जरूरी है मेंस में, हर पेपर में, इच पेपर में, प्रत्येक पेपर में, इसका भी उल्लंघन करके रिजल्ट बनाया गया था। तो जेपीएससी में, जेपीएससी के लिए माननीय हाईकोर्ट ने, जिसका कि फरवरी में था इसका निर्णय, उसका फैसला सुनाया गया है अभी। और उसमें ये पे एक वन आधार और दूसरे आधार पे करके रद्द कर दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि अगर मान लिया रद्द किया जाएगा तो आगे क्या होगा। आगे कहा गया है कि 8 सप्ताह, ठीक है, कि 8 सप्ताह के अंतर्गत रिजल्ट जारी कीजिए। इसका मतलब कि वैसे छात्र जो हिंदी इंग्लिश के मेरिट के वजह से आ गए थे, उनको बाहर कीजिए। मतलब हिंदी इंग्लिश का मार्क्स सबका माइनस किया जाएगा और तब बनेगा मेरिट। दूसरा, जो एक मिनिमम क्वालिफाइंग रखा गया था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एसटीएससी के लिए, ईबीसी के लिए, उसको फॉलो किया जाएगा। मतलब मान लिया जाए कि 40% है, अगर किसी जनरल का मतलब एक पेपर में 80 मार्क्स, 80 अंक, 80 अंक नहीं लाए होंगे, मान लिया जाए 72 अंक ला करके पास किए होंगे, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था होगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मुश्किल काम है कि ये अगर मान लिया ऐसा होता भी है और रिजल्ट आता है, तो फिर जो बच्चे इंटरव्यू में आएंगे या जो अभ्यर्थी इंटरव्यू में आएंगे, उनका मेंस का मार्क्स पब्लिक डोमेन में है, और ये सरासर उल्लंघन होगा, वायलेशन होगा नियमों का, कि इनका इंटरव्यू लेकर के इनको जो है सो फिर से बनाया जाए। तो लगता है कि अब ये, हमको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल वाली बात है। खैर, देखिए सरकार अब क्या करती है। सरकार डबल बेंच में जाएगी, अपील करेगी, क्या करेगी, जेपीएससी क्या करेगी, सरकार का मतलब जेपीएससी जो करेगी। और 326 बेचारे, उनका क्या कसूर है। जो 326 अभ्यर्थी हैं, जो 326 अभ्यर्थी हैं, उसमें कईयों को मैं जानता हूँ बेचारे अपना जॉब छोड़ के, चाहे वो दरोगा का हो, ठीक है ना, हमारा पीर जूनियर गौतम, या बहुत सारे ऐसे लोग जो जॉब वॉब छोड़ के और दूसरा काम छोड़ के, टीचर का जॉब छोड़ के इसको जो इसको इसको ज्वाइन किए थे। तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, इनके लिए। खैर, आगे देखिए क्या होता है। ये था आपका जेपीएससी वाली बात कि जेपीएससी में इसका अब थोड़ा सा, चूंकि ये वीडियो बनाने का अभी उद्देश्य क्या था कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे पेड कोर्स में, करीब 300 प्लस बच्चे पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, और यूट्यूब पे अच्छे खासे मतलब 5-10 हज़ार बच्चे हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो उनके लिए मात्र संदेश है कि आप सिक्स का जो होगा तो होगा ही, सिक्स का जो होगा से तो होगा ही, लेकिन सेवन्थ का आप अपना काम करते रहिए। अभी ड्यू टू कोरोना अभी पोस्टपोन्ड हुआ था, नहीं तो 2 मई को परीक्षा हो जाती। और अभी जैसे स्थिति अच्छी होगी, अब अच्छी हो ही गई है, तो हमको लगता है कि अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा।
हो सकता है कि एक आध दो महीना इसके चक्कर में डिले हो, लेकिन हमको जहाँ तक मेरा मानना है कि छठी से सातवीं का कोई संबंध नहीं होगा, सब कुछ अलग है, विज्ञापन भी अलग है, एवरीथिंग सब क्लियर है। तो सेवन्थ का जो तैयारी आप लोग कर रहे हो करते रहिए, हो सकता है कि इस उपापो हमें कि नहीं, अब परीक्षा नहीं होगी, अब क्या होगा, बैठ के अपना समय खराब करेंगे, तो ये अच्छा बात नहीं है। अगर पीटी पढ़ने का मन नहीं करता तो मेंस पढ़िए, मेंस पढ़ने का मन नहीं करता तो भाषा पढ़िए, भाषा पढ़ने का मन करता कुछ करते रहिए, कुछ करते रहिए, ठीक है। तो ये था आपका जेपीएससी वाला बात। बीपीएससी में ज़बरदस्त रिजल्ट है, क्योंकि हम दिल्ली के मुखर्जी नगर के आस्था आईएएस में फैकल्टी हैं, और आस्था में हमारे साथ एलएसडब्ल्यू में बहुत सारे छात्र थे, ठीक है, हमारे साथ छात्र थे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इंग्लिश और हिंदी में बहुत सारे छात्र थे, जो कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास किए, हमारे अपने बच्चे, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कम से कम 20 प्लस जो है सो पास हुआ है, मेरा पढ़ाया हुआ, बाकी लोग इंटरव्यू में तो पार्टिसिपेट आस्था में हम लोग के पास सब मिला के 1200 लड़का था, सब मिला के 1200 लड़का आस्था आईएएस में था हम लोग के पास, आस्था मतलब टीम के पास, और ये 1200 में हमको लगता है कि कम से कम 500 रिजल्ट तो मिनिमम, ज़्यादा भी उसका हुआ ही होगा, क्योंकि अथाह रिजल्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट आपका बहुत हुआ है झारखंड से भी, रांची की सीमा कुमारी हैं हमारी छात्रा, उनका हुआ है, साहेबगंज के रितेश सिंह हैं वो हमारे छात्र हैं दिल्ली में, उनका हुआ है, एक मैं भी पढ़ रहा था फेसबुक पे, कोई पटेल हैं, पटेल कोई एमएलए हैं, उन पटेल के भतीजी का भी हुआ है, जो तो झारखंड की बेटी हुई ना, मान लिए एमएलए की भतीजी कोई पटेल है, ओबीसी हैं झारखंड के, लेकिन वहाँ तो जनरल हैं, बिहार में तो झारखंड की बेटी का ना हुआ। तो ऐसा बहुत सारा रिजल्ट है जो झारखंड से हुआ है। एक हम और जानते हैं जमशेदपुर में, वहाँ रिजल्ट हुआ है, ठीक है, एक अतुल है कि या अतुल या समथिंग, कुछ नाम भूल रहे हैं अभी, एक उनका रिजल्ट हुआ है, झारखंड से बहुत रिजल्ट हुआ है, झारखंड से अच्छे खासे बच्चे पास किए हैं, 1454 रिजल्ट हुआ है, तो बहुत, तो बीपीएससी में अभी है। और बाकी खास करके झारखंड की जो लड़कियाँ हैं, झारखंड की जो महिलाएँ हैं, उनको हम ये बोलना बताना चाहेंगे, या मतलब बोलना चाहेंगे कि 35% बिहार में आरक्षण है, 35% बिहार में उनको आरक्षण है, महिलाओं को 30% रिजर्वेशन है, ठीक है ना, रिजर्वेशन है महिलाओं को, 35% महिलाओं को, इसमें सारी महिलाओं को, इसका मतलब कि जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं बिहार की होंगी, उसमें झारखंड की लड़कियां, झारखंड की महिलाएं होंगी, तो झारखंड के जो लड़की और खास करके महिलाएं, उनको हम बोलना चाहेंगे कि झारखंड में अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो बीपीएससी की बहाली भरिए, बीपीएससी अभी आ रहा है आपका 66, ठीक है ना, 66 में आप भरिए और तैयारी कीजिए, जरूर आपका होगा, चूँकि वहाँ पे 35% रिजर्व है सीट। इस अभी हम यहाँ पे आस्था में देखते थे इंटरव्यू में, बहुत सारी लड़कियाँ मध्य प्रदेश से आई थी, नासिक से आई थी, हरियाणा की लड़कियाँ थी, बंगाल की लड़कियाँ थी, तो झारखंड की लड़कियाँ भी आ सकती हैं। देखो संदेश मेरा ये है कि झारखंड की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि आप बिहार में भी फाइट कर सकते हैं। बाकी जेपीएससी का तो जो होगा सो होना ही है, छठी जेपीएससी हमको लगता है कि अभी थोड़ा सा मुश्किल में पड़ा है, फिर भी चूँकि सहानुभूति मेरा उसके तरफ भी है, जो 326 बच्चे हैं जो पास करके आए थे, और ये भी है कि जो बेचारे डिस्क्वालीफाई कर गए थे, जिनको मैंने मेट रहते हुए निकाला गया था, उनके प्रति भी मेरा है। तो ये अब क्या कहा जाए, इसमें जो भी होगा सरकार और जेपीएससी के पाले में है, वो लोग बैठ के अपना जो निर्णय लगी करेगी, आखिर कोर्ट ने तो रद्द ही कर दिया है इसको। अब बाकी बीपीएससी की तैयारी करते रहिए, जेपीएससी के लिए थोड़ा सा अभी उपापो है, लेकिन उसका भी कम से कम 3-4 घंटा पढ़ते रहिए, जो हमारे पेड कोर्स में है वो पढ़ते रहिए। हमने अभी आओ खोठा लिखे 15 क्लास लगातार मैंने करवा दिया, तो ये काम मेरा हो गया। मेरे पास हिंदी साहित्य का अवेलेबल है, जेपीएससी पीटी का क्लास अवेलेबल है, जेपीएससी मेंस का क्लास अवेलेबल है, कुछ क्लास शुरू हो गया, कुछ और शुरू होने वाला है, अच्छे अच्छे टीम हम जोड़ के रखे हैं, ठीक है ना, पब्लिक एड के लिए अतुल लोहिया सर, मुकुल सर को जोड़े हैं आपका पॉलिटी के लिए, टीगर सर हिस्ट्री के लिए है, झारखंड संबंधी जो झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का एग्रीकल्चर, ठीक है ना, झारखंड का इकोनॉमी हम पढ़ाएंगे। आर कुमार सर से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो झारखंड का इकोनॉमी पढ़ा दें पेपर 5, तो भी देखते हैं। साइंस के लिए एएन सिंह सर हैं, बेस्ट फैकल्टी है मुखर्जी नगर के, तो ऐसे का चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है पीटी का भी, जो चाहते हैं टेस्ट सीरीज मेंस के लिए ज्वाइन करना हो भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ज्वाइन करना हो तो, ठीक है, नंबर है ही, नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और बाकी क्या बोले, अब थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव माहौल, झारखंड राज्य हम लोग पैदा होना ही अभी साफ है झारखंड में, हम लोग के लिए हम लोग को कहाँ कहा जाए, हम लोग जितना मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। अभी था कि चलो भैया छठी से पिंड छूटा, आप सातवीं जेपीएससी आया, अच्छा से होगा, लेकिन छठी फंसा दिया, तो सातवीं हो सकता है कि उस पर पड़े असर, लेकिन मेरा मानना है कि असर नहीं पड़ेगा, चूँकि दोनों अलग अलग हैं, पैरेलल चलते रहेगा। सेवन्थ के लिए आप काम करते रहिए, छठी जेपीएससी
का जो हो जो होना होगा सो तो होगा ही, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, आज के लिए इतना ही। इसलिए मैं यहाँ आज आपसे बात करने आया था कि जेपीएससी की परीक्षा, छठी जेपीएससी परीक्षा रद्द हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो सोशल जो अवेयरनेस जिनको हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन कुछ वैसे लोग जो हैं सो नहीं जानते हैं। कुछ अभी पढ़ फेसबुक पे पढ़ रहे थे, फेसबुक पे देखते छठी जेपीएससी रद्द हुआ तो उसके बाद क्या क्या लोग बोले। संदीप कुमार राउत जी हैं, संदीप कुमार राउत जी कहते हैं कि बिहार में बीपीएससी एवं अन्य नौकरी बिहार में बीपीएससी एवं अन्य नौकरियों की बहार है क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार है। झारखंडी युवा बेरोजगार है क्योंकि वहाँ पहले गांजा और अब हड़िया की सरकार है। तो ये बहुत नेगेटिव कमेंट है, हम तो कुछ बोलेंगे इसमें नहीं, क्योंकि अब सुंदर कुमार राव जी अपने फेसबुक वॉल पे चिपकाए हैं इसको, तो पढ़ दिए। डॉक्टर प्रकाश कुमार हैं, डॉक्टर प्रकाश सर हैं, हजारीबाग के पादनी आईएएस के हैं डॉक्टर प्रकाश सर, हमारे अच्छे मतलब परिचित हैं सर। डॉक्टर प्रकाश सर लिखते हैं कि छठी जेपीएससी का रिजल्ट रद्द, फिर से नियम और नियम के अनुरूप रिजल्ट देना होगा, हाईकोर्ट ने ऐसा कहा, ठीक है। उसके बाद एक और एग्ज़ाम फाइटर हमारे कुणाल भाई साहब, कुणाल कुमार सिंह, कुणाल भाई साहब एग्ज़ाम फाइटर वाले बोल रहे हैं, लिखे हैं कि हो गया धमाका, 6 जेपीएस रिजल्ट को हाईकोर्ट ने रद्द किया, 8 हफ्ते के अंदर फिर से नया रिजल्ट बनाने का आदेश हाईकोर्ट ने पारित किया। यही सब है, अलबल सब है, चल रहा है। उसके बाद एक है प्रभाकर गिरिडी हैं, वो लिखते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द कर दिया है जिससे 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध घोषित हो गई है। जेपीएससी को 8 सप्ताह में रिवाइज रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है। रद्द करने का जो ठोस कारण है वह है, नंबर 1 क्वालिफाइंग पेपर को जोड़कर गलत तरीके से फाइनल मेट बनाना, नंबर 2 मुख्य परीक्षा में प्रत्येक पेपर से न्यूनतम अर्हतांक का पालन नहीं करना, तीसरा सर्विस एलोकेशन, ये भी हुआ है, सर्विस एलोकेशन का भी भारी गड़बड़ी हुई है, चूँकि जो जेपीएससी 326 में पास अभ्यर्थी हैं वो भी पार्टी बने थे, वो भी केस किए थे, ठीक है, और पीटी में 15 के बदले 18 गुना रिजल्ट भी आया है। तो ये 4-5 कारण हैं, ठीक है। टीवी में आया है हमारे कुणाल भाई साहब हैं, कुणाल सिंह एग्जाम फाइटर वाले, वो एक ठो पोस्ट किए हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ जाँच कार्रवाई के निर्देश, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है कि जो दोषी अधिकारी है जो ऐसा काम किया है, जो बनाया है रिजल्ट बिना नियम कानून के, उस पर कार्रवाई हो। ये सब है, लास्ट में यही है कि मेंस में 6103 लोग पास थे लेकिन मुख्य परीक्षा ज़्यादा नहीं दिए हैं, मुख्य परीक्षा मात्र 3900 ही दिए हैं। तो अगर मान लिया जाए, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, एक परसेंट बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ, तो मुख्य परीक्षा के लिए दावा ये 3900 ही अभ्यर्थी कर पाएंगे, सारे अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे, बाकी जो होगा भविष्य के गर्त में है। मेरा आपका कहना है पढ़ते रहिए मेंस परीक्षा के लिए लिखते रहिए, ठीक है। इतना ही आज के लिए, ऑल द बेस्ट।